हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टेंट एग्जाम। एसएससी के स्टेंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट 27। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न है वो क्या है, यहाँ पर 3 से 27 आया, उसी प्रकार 6 से यहाँ क्या आया है 16। तो हमें 9 से यहाँ पर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क जगह 9 से क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि 3 से 27 किस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दें, 9 से कर दें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर 27 आ गया, जो कि 27 दिया गया था। तो हमें अब क्या करना है, 6 में हम 9 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब 6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 9 छक्का 54, यहाँ पर 54 आ गया। क्या यहाँ पर 54 दिया गया है, तो यहाँ पर 54 नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब क्या करना है हमें, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से क्या आया है, यहाँ 3 दिया गया है, इससे क्या आया 27। तो यहाँ पर हम करते हैं 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 3 का 9 दिया 27। तो यहाँ पर 3 का क्यूब दिया गया है 27। इसी प्रकार 6 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, जब 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 36 छक्का कितना होता है, 36 छक्का होता है 216, जो कि यहाँ पर इसके सामने दिया गया था। तो ठीक इसी प्रकार से हमें 9 का क्यूब करना है। तो जब 9 का हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 9 का क्यूब करने से कितना आएगा, 9 × 9 × 9 करेंगे तो सबसे पहले 9 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 9 × 81 आ जाएगा। और फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 729। तो क्या 729 कोई ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा और 729 क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो आएगी 729। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, इसमें क्या किया गया देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि 3 से यहाँ 27 आया था, उसी प्रकार यहाँ 6 से क्या आया था, 216। तो हमें फाइंड करना था कि 9 से यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो यहाँ पर हमने जब देखा तो 3 में ऐसा क्या किया गया कि 27 आ गया। तो हमने जब 3 का क्यूब करके देखा तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 त्रिका 9 दिया 27। तो 3 का यहाँ पर क्यूब दिया गया था 27। इसी प्रकार से फिर हमने देखा 6, तो 6 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 216 आ जाए। फिर हमने 6 का क्यूब करके देखा तो यहाँ पर कितना आ जाए, 36 छक्का कितना होता है, 216। तो यहाँ भी 6 का क्यूब दिया गया था। तो ठीक इसी प्रकार से हमें 9 का क्यूब कर देना था। जब 9 का हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 × 81, और 81 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 729, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि m का अर्थ प्लस कोमा n का अर्थ माइनस और p का अर्थ गुणा हो तो, यहाँ पर 15n 10p 3m 5p 4 बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया गया, देखिए m की जगह प्लस लगाना है, जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ क्या लगाना है, प्लस, और जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या लगाना है, वहाँ पर माइनस लगाना है, और जहाँ पर p लिखा है वहाँ पर हमें गुणा का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण पहले क्या दिया गया, 15। अब यहाँ पर देखिए n दिया गया है, तो n को हमने क्या, यहाँ पर क्या लिखा गया, n को लिखा गया माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर हमें क्या देखना है, p को, तो p को यहाँ क्या लिखा गया, p को लिखा गया गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर m को देखेंगे तो m को यहाँ क्या लिखा गया है, प्लस लिखा गया, हम यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद 5 लिखा, हम 5 का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर p फिर से आ गया, तो p को देखिए यहाँ पर गुणा का लिखा गया, यहाँ पर हम गुणा लगा देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इक्वल में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 × 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20। अब यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस, अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 दिया 30, यहाँ पर 30 आ गया माइनस का, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे और यहाँ पर जो माइनस वाला है वो घट जाएगा। तो 15 और 20 कितने होते हैं, 35 होते हैं। जब 35 से हम माइनस 30 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो क्या 5 जो आया है वो किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इसको एक बार फिर से समझते हैं, इसमें हमने क्या किया है देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि m का अर्थ प्लस, n का अर्थ माइनस और p का अर्थ गुणा हो तो, यहाँ पर 15n 10p 3m 5p
चार इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले हमने समीकरण को लिखा है, यहाँ समीकरण में क्या दिया है, जहां जहां एन लिखा है वहां हमें क्या लगाना है, वहां पर माइनस लगाना है, और जहां पर पी लिखा है वहां पर गुणा लगाना है, और जहां पर एम लिखा है वहां पर क्या लगाना है, प्लस। इसी प्रकार से जब हमने समीकरण को लिखा तो यहाँ पर 15 आ गया, फिर एन की जगह माइनस लिखा गया तो हमने माइनस लगा लिया, फिर यहाँ पर 10 लिखा था हमने 10 लिख लिया, पी की जगह क्या लगाना है देखिए गुणा लगाना है तो हमने गुणा लगा लिया, फिर 3 लिखा था 3 लिख लिया, अब यहाँ पर एम आ गया तो एम की जगह हमें क्या लगाना है प्लस लगाना, हमने प्लस लगा लिया, फिर क्या लिखा था 5 हमने 5 लिख लिया, फिर देखिए यहाँ पर पी आ गया तो यहाँ पर पी की जगह गुणा लगाना, हमने गुणा लगा लिया 4 लिख लिया। अब जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ गया, सबसे पहले यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 को 20, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या आएगा इसका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 3 करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ये 30 माइनस का आएगा। अब यहाँ पर 15 लिखा था हमने 15 लिख दिया, यहाँ पर देखिए 15 प्लस का है 20 प्लस का है तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, और माइनस का 30 है तो ये घट जाएगा, तो 35 से 30 चला जाएगा, तो यहाँ पर संख्या कौन सी निकल कर आएगी 5, तो ये ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि मैन को 415 तथा रा को 915 से कोडित किया जाए तो स्पॉट का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैन को क्या लिखा गया है, यहाँ मैन को लिखा गया है 415, तो यहाँ एम ए एन, यहाँ पर 415 किस प्रकार से आया ये हमें देखना है। इसी प्रकार यहाँ पर रा को क्या लिखा गया है, आर ए डब्ल्यू, यहाँ पर रा को लिखा गया है 915, तो यहाँ हम इसके सामने क्या लिख देंगे 915, यहाँ पर 915 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया है स्पॉट को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं स्पॉट, इसको क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले देखें कि एम से यहाँ चार किस प्रकार आता है, तो सबसे पहले हम एम का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है वो क्या किस पर आता है, तो वो आता है 13 पर, ए का कितने पर आता है 1 पर, यहाँ हमने 1 लिख लिया, और यहाँ पर एन का कितने पर आता है, एन का आता है 14 पर, यहाँ पर 14 लिख लिया गया। अब देखिए 13 में ऐसा क्या कर दें कि यहाँ पर 4 आ जाए, तो 13 में अगर देखिए 3 और 1 ये जो दो संख्याएं इसको एक संख्या में कन्वर्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 को आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ देखिए एक ही संख्या है तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। अब यहाँ पर एन पर आते हैं तो यहाँ एन में देखिए एन का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला कितने पर होता है 14 पर होता है, तो यहाँ पर 1 और 4 को आपस में ऐड कर दिया गया तो एक संख्या कितनी आ गई 5। तो इसी प्रकार से हम रा को जब लिखकर देखते हैं क्या 915 आता है, तो यहाँ पर आर का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितने पर होता है, वो होता है 18 पर, यहाँ हमने 18 लिख दिया। अब ए का देखते हैं तो एक पर होता है, डब्ल्यू का 23 पर होता है, यहाँ हम 23 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड करेंगे तो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर एक जो एक का स्थान होता है वो एक पर आता है, तो यहाँ पर इकाई का अंक खाली दिया गया तो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर जब W का स्थान देखेंगे तो 23 पर आता है, और 2, 3 को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकल कर आ गया 915 आ गया। तो इसी प्रकार से हमसे क्या पूछा गया, स्पॉट को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो S का स्थान कितने पर आता है, S का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान आता है 19 पर, हमने 19 लिख लिया, और जो P का स्थान आता है वो कितने पर आता है, पी का आता है 16 पर, हम 16 लिख लेंगे, ओ का आता है 15 पर, हम 15 लिख लेंगे, और टी का जो स्थान आता है वो 20 पर आता है, हमने 20 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, देखिएगा इनको इकाई और दाई के दोनों अंकों को आपस में ऐड करना है, तो यहाँ जब 1 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर 10 आ गया। अब ये देखिए जो 10 आया है ये डबल अंक है तो इसको एक अंक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर जब 1 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 और 16 को ऐड करेंगे, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, तो P की जगह क्या लिख देंगे 7, यहाँ पर 7 आ गया। इसी प्रकार से O को देखते हैं तो O का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 15 होता है, और जब 5 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, हम 6 लिख देंगे। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा T, जो T का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो कितने पर होता है 20 पर, यहाँ पर हमने 20 लिखा। अब यहाँ पर 0 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो जो स्पॉट की कोडिंग आएगी वो क्या आएगी 1762। क्या 1762 कोई ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, और 1762 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, इसमें क्या किया गया देखिएगा, सबसे पहले मैन को क्या लिखा गया, मैन को लिखा गया 415 और रा को लिखा गया 915, तो यहाँ पर मैन में ऐसा क्या करें कि 415 आ जाए, तो यहाँ पर हमने जब मैन की अंग्रेजी वर्णमाला में कोडिंग देखी है एम की, तो यहाँ पर 13 आया, ए का जो स्थान होता है 1 पर आता है, एन का कितने पर आता है 14 पर, यहाँ 14 लिख दिया। फिर 13 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 4 आ जाए, तो 1 और 3 को ऐड किया तो यहाँ पर कितना एक अंक में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर 4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर एक अंक दिया गया था ए के सामने तो यहाँ पर 1 ही लिख दिया गया। अब आते हैं एन पर, तो यहाँ पर एन का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितने पर होता है 14 पर, जब 1 और 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से क्या लिखा गया है, रा को लिखा गया है। जब हमने स्पोर्ट को लिखा तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में एस का स्थान 19 पर आता है, पी का 16 पर आता है, ओ का 15 पर आता है और टी का 20 पर आता है। जब एक 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए 10 में 2 अंक दिए गए तो इसे एक अंक में कन्वर्ट करना है, तो एक 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें क्या है, देखिए पी का जो स्थान होता है 16 पर होता है, 1 और 6 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। वो का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है 15 पर होता है, तो यहाँ पर 1 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हमने टी को देखा तो टी का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है 20 पर, और देखिए 2 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट का कोडिंग आएगी वो क्या आएगी, 1762, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है 1728:12 समानुपात ?17। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या फाइंड करनी है जो कि अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 से 1728 किस प्रकार आया है ये हमें देखना है, उसी प्रकार यहाँ से 17 से एक संख्या आएगी जो कि अपना आंसर होगा। तो सबसे पहले 12 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 1728 आ जाए, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 144 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 144 आया और हमें लाना कितना है, लाना है 1728, तो फिर से इसमें 12 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाए, 12 चौक 48 की 8, यहाँ पर कैरी कितनी बची, 4। 12 चौक 48 4 कितना हुआ, 52। 52 और 52 की 2 कैरी कितनी बची, 5। और 12 एकम 12 5 कितना हो गया, 17। तो यहाँ पर 1728 आ गया जो कि यहाँ पर दिया गया था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहले सेकेंड वाली संख्या का हमने क्यूब कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पर 1728 आ गया, यानी कि 12 का क्यूब कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1728। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसी प्रकार 17 का क्यूब कर देना है। तो यहाँ पर जब 17 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले लिखेंगे 17 × 17 × 17। तो यहाँ पर 17 में 17 करेंगे तो कितना आएगा, 17 में 17 होता है 289। अब यहाँ पर 289 कर दिया, अब यहाँ पर 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 का जो क्यूब होता है वो होता है 4913। तो यहाँ पर 289 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर संख्या निकल कर आएगी 4913। क्या 4913 कोई ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा और 4913 क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, इसमें क्या किया गया देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया 1728:12 समानुपात ?17। तो यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या फाइंड करनी थी, फिर हमने देखा कि यहाँ पर सेकेंड संख्या से फर्स्ट संख्या आई है, तो यहाँ पर 12 में ऐसा क्या करें कि 1728 आ जाए। तो हमने पहले 12 का स्क्वायर करके देखा तो यहाँ पर कितना आ रहा था, 144, और हमें लाना कितना था, यहाँ पर 1728 लाना था। तो हमने फिर से 12 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 1728 आ गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर 12 का क्यूब कर दें तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हमें लास्ट संख्या का क्या करना है, क्यूब करना है। जब हम 17 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 × 17 × 17, 3 बार 17 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बार 17 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 289, और 289 में फिर से 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 17 का क्यूब कितना होता है, 4913। जो संख्या निकल कर आएगी वो क्या आएगी, 4913। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4913, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो थैंक्स दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।